जमींदारों को चिकित्सकों के साथ बदसलूकी व अभद्र व्यवहार की शीघ्र कार्रवाई की उठाई मांग। बिलासपुर जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले जमींदारों की चिकित्सकों के साथ बदसलूकी व अभद्र व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल के आपातकाल कक्ष में आया सामने। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और सहयोगी स्टाफ के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई लामबंद हो गई है। इस आक्षेप को लेकर चिकित्सक संघ ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है तथा पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि चिकित्सक सुरक्षित माहौल में काम कर सके। इस बारे में एमएस ऑफिस में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा की अगुवाई में आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस घटना पर रोष व्यक्त किया गया तथा शीघ्र कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शुभम गौतम ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे उन्होंने अपने स्टाफ सहित मरीज का इलाज किया तथा उनकी जमींदारी में लगे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने में उनके साथ आए कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया तथा गाली गलौज भी किया। डॉक्टर शुभम ने कहा कि ऐसा कृत्य करने से उन्हें काफी रोका, लेकिन वे नशे में थे और बदसलूकी करते रहे। इस दौरान उन्होंने सहयोगी स्टाफ को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है तथा न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं जिला प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आर एच बिलासपुर में कार्यरत, कल मेरी नाइट ड्यूटी थी शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे मेरे पास 2 मरीज आए, जिनका हमने अच्छे से इलाज करा और उन्हें सीटी स्कैन करने के लिए भेज दिया। उसके बाद हम बाकी मरीज़ का इलाज कर रहे थे, किंतु वो बाद में आकर हमें परेशान करने लगे और दूसरे मरीज़ का इलाज करने से रोकने लगे। उन लोगों ने शराब पी रखी थी और वो मेरे हॉस्पिटल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे थे। इस बात की सूचना मैंने अपने HMO के प्रेसिडेंट और अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। मैं चाहूँगा कि अब इस बारे में वो कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो हॉस्पिटल में एमरजेंसी में बीती रात जो कुछ लोगों द्वारा हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम HMO की तरफ से उसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारी ये भी मांग है कि जो FIR लॉज होगी उसमें जो मेडी पर्सन एक्ट है उसको स्पेशली इंक्लूड किया जाए, उसके अंतर्गत ही पूरी कार्रवाई की जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से जो माहौल है वो ख़राब होता है और हम अपने आप को, क्योंकि हम दिन रात सेवाएँ दे रहे हैं लोगों के लिए, हम इस माहौल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमारी द्वारा से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, अन्यथा हम लोगों को मजबूरन कोई आगे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा किसी विरोध स्वरूप। धन्यवाद।